C-19 जायरोकॉप्टर में गोल गोल घूमने की समस्या थी ही नहीं। और यहाँ पर यह बात भी बताना जरूरी है कि वो घूम क्यों नहीं रहा था। देखो, किसी भी चीज को किसी पॉइंट के चारों तरफ घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो होती है टॉर्क। अब टॉर्क बनाएगा कौन? टॉर्क बना सकता है इस उड़न खटोले का इंजन, और वो भी तब अगर हम इसके सर पे लगे पंखे को इंजन से कनेक्ट कर दें तो। और क्योंकि अब ये घूमेगा तो इसकी नाक पर लगे पंखे को उखाड़ के पूंछ पे लगा देते हैं। लो जी, बन गया आपका हेलीकॉप्टर, अब उड़ाओ इसे मजे से। मेरा हमेशा से ही ऐसा मानना था कि विज्ञान या इंजीनियरिंग को उसके टेक्निकल नाम से ज्यादा समस्याओं और समाधान के रूप में देखा जाए तो वो काफी आसानी से समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं टेक्निकल शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं करता। वापस चलते हैं अपने मुद्दे पर। निकोलस फ्लोरिन एक और महान मैकेनिकल इंजीनियर, नाम याद रखिएगा, इन्होंने कमाल की चीज दुनिया के सामने रखी। उससे पहले निकोलस फ्लोरिन के बारे में कुछ जरूरी बातें। इनका जन्म रशिया में हुआ था और ये बेल्जियम के नागरिक बन गए। इन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले टंडम रोटर पर आधारित हेलीकॉप्टर बनाया था, जिसका प्रदर्शन इन्होंने 1927 ब्रसेल्स में एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान दुनिया के सामने किया था। और अभी जो आप देख रहे हैं ये उस समय की रियल फुटेज है। चलो अब चलते हैं अपने सवाल पर, टंडम रोटर चीज क्या है।